गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम गोखले के जो शैक्षिक और सामाजिक जो सुधार थे या सामाजिक विचारों के अलावा आर्थिक विचारों का भी हमने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हम चल रहे हैं उनके जो राजनीतिक जो विचार हैं, उन राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखते हुए हम आगे का अध्ययन जारी रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो गोखले हैं, गोखले के द्वारा जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों को कहीं ना कहीं अंग्रेजी सत्ता के द्वारा भी समर्थन प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ कि गोखले के जो राजनीतिक विचार हैं वो न केवल भारतीय परिदृश्य से अपितु जो पश्चिमी जो परिदृश्य है या पश्चिमी जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के अंतर्गत भी उपयुक्त रहे। कहीं ना कहीं गोखले की राजनीतिक समझ और ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक समझ या जो समर्पण जो ब्रिटिश सत्ता की जो आवश्यकताएं थी या जो नीड थी उसमें कहीं ना कहीं सामंजस्य रहा, तालमेल रहा। इसी का प्रभाव रहा कि गोखले को बॉम्बे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें और सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। तो हम गोखले के जो राजनीतिक विचार हैं उनको जानने से पहले उनका जो राजनीतिक व्यक्तित्व या राजनीतिक जो उठाव या प्रगति रही उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखें, गोखले के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है 1889 में, जब गोखले ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अब कांग्रेस का उदय ही इसलिए हुआ था कि वह भारतीयों के आक्रोश को एक उचित माध्यम या मंच प्रदान कर ले। अब यहाँ पर उनके प्रतिद्वंदी मिस्टर तिलक हैं, ये ध्यान रखें आप, और तिलक भी कांग्रेस में शामिल हैं, कांग्रेस में रहकर वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही गोखले भी कांग्रेस के सदस्य बनकर 1889 में अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने 1889 में जब पहली बार उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में अपना जो भाषण प्रस्तुत किया वो भाषण इतना सारगर्भित और इतना तार्किक तथ्यों को लेकर दिया गया था कि जो कांग्रेस के जो अन्य या कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल जो श्रोतागण थे या सदस्य और शामिल थे या और अन्य राजनीतिक व्यक्ति जो शामिल थे उन सभी ने गोखले की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। यानी उनकी जो राजनीतिक समझ थी वो राजनीतिक समझ किसी भी मायने में जो वयोवृद्ध जो नेता थे या बहुत अनुभवी जो नेता थे कांग्रेस के या कांग्रेस से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे स्थापना से लेकर इनके कांग्रेस ज्वाइन करने तक, उन सभी ने ये माना कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छी समझ रखता है संविधान, संवैधानिक सुधारों के प्रति, कानून के प्रति, भारत की जो राजनीतिक और आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का इसने बहुत अच्छा विश्लेषण किया हुआ है। और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने माना कि गोखले आने वाले समय में बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ शामिल होंगे। कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त कर ली और जल्दी ही इन्होंने और वहां रहते हुए यानी कांग्रेस में रहते हुए गोखले के द्वारा अपने भाषणों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, लेखों तथा सारगर्भित जो विचार थे उन विचारों के आधार पर, हालांकि अध्यक्ष मैंने आपको बताया 1905 बनाया गया था उनको प्रसिद्धि प्राप्त की, और वे कांग्रेस के प्रसिद्ध नेताओं में शामिल हो गए। प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता बने और वो भी उदारवादी, यानी एक तरह से ये तिलक का विकल्प थे कांग्रेस के पास, और उस विकल्प ने, अब देखो आगे क्या किया, अब हम जो इनका अध्ययन करेंगे इनके द्वारा क्या क्या राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या राजनीतिक
जो सुधार हैं उनकी मांग की जा रही है उसकी बात करेंगे। तो अब यहाँ पर जब हम आप देख रहे हैं कि ये कांग्रेस में शामिल हुए, वहाँ अपने लेखों से लोगों को प्रभावित किया, जल्द ही प्रसिद्ध हुए और ये पहले ही भाषण से इनका कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। और ये वहीं पर, हालांकि इन्होंने 1902 तक शिक्षण कार्य किया, लेकिन उससे पहले भी ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के प्रवक्ता के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष का एक यात्रा कर चुके थे, संपूर्ण भारतवर्ष की। और उस यात्रा करने के दौरान उन्होंने वास्तविक या प्रत्यक्ष अनुभव लिया था कि भारत की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का राजनीतिक तरीके से किस प्रकार समाधान निकाला जा सकता है। तो इनकी जो पहली जीत हो रही है उसको देखते हैं, यहाँ के आगे चलते हैं अब हम। तो यहाँ इसके आगे अब चले तो 1889 में कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद जो इनका पहला काम हुआ वो 1889 में ही इन्होंने शुरू करने का प्रयास किया। देखें अब आगे क्या चलता है, इनका राजनीतिक कार्यकाल शुरू हुआ। इन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी में बंबई प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेशन थी या सेंट्रल डिवीजन थी, उस सेंट्रल डिवीजन के ये सदस्य बन गए। अब यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ बड़ी बात है कि यहाँ पर उन्होंने किसको हराया, तिलक को हराया। सेंट्रल डिवीजन के ये सदस्य बने, बहुत अच्छी बात है, सदस्य बने। अब यहां से इनका राजनीतिक करियर क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। यहां पर उन्होंने सेंट्रल डिवीजन के ये प्रतिनिधि चुने गए वहां की नगर पालिकाओं में। अब नगर पालिका आप जानते हैं तो छोटा सा ही माध्यम, लेकिन जिस तरह आज राजनीतिक या स्वशासन से संबंधित जो विषय हैं वो स्वायत्तता प्राप्त है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, ग्राम परिषद हो या पंचायत समिति, ये स्वायत्त हैं, इनको संवैधानिक आधार पर स्वतंत्रताएं प्राप्त है। तो इस छोटी सी स्थिति में पहुंचने पर इन्होंने किसको हराया था, तिलक को। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक माध्यम बना, क्योंकि एक उग्रवादी और उदारवादी के मध्य की जो खाई थी या उनके मध्य जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में एक उदारवादी व्यक्ति क्या हो रहा है, विजयी हुआ। और इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया, आगे काम क्या किया, इसी समय लैंड एलिएशन बिल क्या हुआ, प्राप्त हुआ था, पास हुआ था, जो मैंने आपको पहले भी बताया। इस लैंड एलिएशन बिल का जो मूल मकसद था वो था, जो जमीन धारक हैं या जमीन के जो जमीन का जो मालिकाना हक जिनके पास है, उस मालिकाना हक से उन्हें बेदखल करने का एक कानून बनाया गया था। बेदखल करने का क्या था, एक प्रयास किया गया। ठीक है, अब गोखले ने क्या किया, आपको पता ही है गोखले इसका क्या किया, इन्होंने गोखले ने इस बिल का क्या किया, विरोध किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। यानी अगर आप इस तरह का बिल लाकर उन्हें बेदखल करेंगे तो जो स्थानीय लोग हैं जो प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करके एक प्रशासनिक अनुभव लेंगे और आगे जाकर भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालेंगे या उनका संचालन करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने गोखले के द्वारा इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया, और विरोध किया गया, लेकिन अब देखो अंग्रेज इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं कि वो कोई भी चीज़ आपको एकदम से उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बिल तो पास करा लिया, बिल तो पास कराना ही था उनको, उनका हित था, आर्थिक हित जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने गोखले के सुझावों को ध्यान में रखते हुए या गोखले की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए मूल बिल में बहुत ज़्यादा संशोधन कर दिए, और वहाँ पर जो वास्तव में जो बिल की जो मूल आत्मा थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित रही। यानी गोखले को भी संतुष्ट कर दिया और ब्रिटिश सरकार भी संतुष्ट हुई।
तो गोखले के जबरदस्त विरोध के बाद क्या हुआ कि वहां पर गोखले ने ये सुझाव दिया था कि अगर आप ये बिल पास कर रहे हैं तो इन्हें लोन उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों का साख सहकारी समितियों का गठन कीजिए। तो सहकारी साख समितियों का गठन का जो सुझाव गोखले ने दिया था वो सुझाव मान लिया गया, ठीक है। और पूरे जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसमें इस नियम को लागू कर दिया गया। अब देखें आप इसको देखें, गोखले के द्वारा या गोखले ने इस बिल का क्या किया, जबरदस्त विरोध किया था। अब देखो आप छोटी सी घटना है लेकिन जिस तरह से गांधी जी ने अपने जो सिद्धांत है उनकी राष्ट्रीय आंदोलन तो उन्होंने बाद में किया लेकिन आप देखें उन्होंने जो शुरुआती जो छोटे आंदोलन किए थे उनकी सफलता से प्रेरित होकर ही उनमें इतना साहस आया कि उन्होंने आगे जाकर बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों का संचालन किया। तो ऐसे ही इस बिल के सफल होने पर या इस बिल में परिवर्तन किए जाने पर या इसके द्वारा गोखले ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव को माने जाने पर गोखले का भी विश्वास बढ़ा, अंग्रेजी प्रशासन में उनकी आस्था बढ़ी। आगे बात करेंगे और किन किन विषयों पर, क्योंकि आप किस प्रकार से उन्होंने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया यानी ब्रिटिश सरकार के शासन में या ब्रिटिश संपर्क में उनकी आस्था इसी वजह से बढ़ी कि अंग्रेजों ने उनके द्वारा बताए गए सुझावों को, उनके द्वारा बताए गए परिवर्तनों को स्वीकार करने का प्रयास किया। गोखले ने विरोध किया परंतु यह बिल पास किया गया, पास हो गया बिल। अब पास हो गया तो ये तो अंग्रेज सरकार प्रसन्न हुई लेकिन इसमें परंतु इस बिल में विवादास्पद जो बिंदु थे पूरी तरह लागू नहीं किया गया। ठीक है, इस पर फिर गोखले ने क्या दिया, इनको सुझाव दिया या पहले ही दे दिया था उन्होंने, उन्होंने जो सुझाव दिया था आपको बताया कि ऋणग्रस्तता भी एक हमारे बिंदु रह चुका है तो ऋणग्रस्तता से बचने के लिए उन्होंने कह दिया था सहकारी साख समितियों का गठन किया जाए। अब ये सहकारी जो साख समितियां हैं उनका गठन किया गया गोखले के सुझाव पर, ऐसा कर सकते हैं इसको, गोखले के सुझाव पर क्या किया गया, इन सहकारी समितियों का गठन कर दिया गया। संवैधानिक आधार पर किया गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया या किसी तरह का कोई प्रेशर बनाकर काम नहीं किया गया, एक सुझाव दिया था, अच्छा सुझाव था, मानने योग्य था, अंग्रेज सरकार किसी तरह से मना नहीं कर सकती थी, करने को तो कर सकती थी लेकिन कोई आधार नहीं था मना करने का क्योंकि वो खुद भी संवैधानिक माध्यम से किए गए प्रयासों का क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो इस सहकारी समिति के द्वारा ग्रामीणों को या कृषकों को, किसानों को लोन उपलब्ध कराने का एक माध्यम बनाया गया और ये पूरी बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू रहा था। ये जो बिल था और इसके जो सुझाव थे ये पूरी बम्बई प्रेसिडेंसी में। अब इससे क्या होगा, गोखले की राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और गोखले की कार्य प्रणाली का क्या होगा, प्रसार होगा। तो ये अपने आप एक बड़ा माध्यम था जिसके आधार पर गोखले ने अपने राजनीतिक करियर को बढ़ावा दिया या राजनीतिक करियर में एक मील का पत्थर स्थापित करने का प्रयास किया। आगे चलें, एक और बिल आया था, ध्यान कर लें आप इसको, नगरपालिका के सदस्य बने थे, किसको राय इन्होंने, तिलक को 1899 में। उसके बाद उसी लैंड
एलिएशन बिल पास हुआ और इस बिल के द्वारा जमीन का जो मालिकाना हक था वो ब्रिटिश सरकार अपने पास रखना चाहती थी और अपने पास रखती तो वो जो एक जुड़ाव होता है ज़मीन से किसान का वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था और इससे लोग भारतीयों में भी आक्रोश की भावना जन्म ले सकती थी। तो इसके बदले में जो बिल लागू किया गया उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए, उसका मूल जो स्वरूप था वो परिवर्तित हो गया और उस परिवर्तन के आधार पर उन्होंने सहकारी साख समितियों का निर्धारण करने का प्रयास किया ताकि भारतीय किसानों को जो एक मायाजाल है लोन का, ऋण का, उस मायाजाल से मुक्त कराया जा सके। ये दिया तो ये राहत दे दी साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला भी एक बिल था और उस बिल का भी गोखले के द्वारा विरोध किया गया। अब एक बिल आया डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल बिल, अब इस बिल के द्वारा कुछ नहीं किया गया। हमारी आपत्ति बार बार गोखले और तिलक या जो भी व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो भारतीयों का एक संगठन या एकीकरण करना चाह रहे हैं राष्ट्र या आंदोलन को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के लिए, यानी उनका मेन उद्देश्य है कि भारतीय संगठित होकर प्रयास करें। और वहीं ब्रिटिश सरकार का ये प्रयास है कि भारतीयों को किसी भी प्रकार से एक या संगठित या एकजुट नहीं होने दिया जाए। तो इस बिल के माध्यम से क्या प्रयास किया गया कि जो चुनाव होने वाले थे म्युनिसिपैलिटी के, उन चुनाव के अंतर्गत अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया। और इसका आपको पता ही है तिलक के द्वारा विरोध किया जाएगा। इस बिल के द्वारा ये जो विभाजन की फूट डालो राज करो की जो नीति है उसके आधार पर इस बिल के द्वारा अलग अलग वर्गों के लोगों को अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया। यदि यही गया प्रयास क्या किया गया? अब गोखले ने कहा कि अगर आप इस तरह का प्रशासन चलाएंगे या इस तरह की प्रक्रिया या कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज में डिवाइडेशन पैदा हो तो मैं उसका हर स्तर पर क्या करूंगा, विरोध करूंगा। उन्होंने इस बिल का भी विरोध किया लेकिन इस बिल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया गया। देखें आगे, अब गोखले पुनः क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इस बिल का क्या किया उन्होंने, विरोध करने का कार्य। अब अंग्रेजी सरकार यही तो होशियार है, हम तो फिर भी सीधे पढ़ते हैं हिंदुस्तानी। उन्होंने क्या किया कि जो व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप किसी चोर को ही थानेदार बना देंगे, चौकीदार बना देंगे, तो चोरी की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि बिल तो वापस नहीं लेना था इनको बिल, तो इन्होंने क्या किया कि इस बिल के जो प्रावधान हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने इस बिल की जो कमियाँ हैं उन पर ध्यान देने के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया। विश्लेषण करने या सुधार करने के लिए
एक प्रवर समिति बनाई और उस प्रवर समिति का सदस्य प्रवर समिति का सदस्य गोखले को भी बना दिया। अब गोखले को भी बना दिया तो गोखले वारेकर उन्होंने चर्चाएं तो की लेकिन वो ज्यादा उनकी चली नहीं। तो ये देखें आप अंग्रेजों की नीति, देखें आप यहां से, यहां पर उन्होंने जो बात मानने योग्य थी वो मान ली, जहां उन्हें किसी तरह का कोई नहीं मानना था या ब्रिटिश सरकार के महत्व को या हितों को वरीयता देनी थी वहां भारतीय समाज में एकता को तोड़ना था, विखंडित करना था भारतीय समाज को, वहां उन्होंने उस बिल को परिवर्तित करने से क्या कर देते हैं, मना। लेकिन शांति बनी रहे, आक्रोश नहीं फैले, वहां पर वो भारतीयों पर एक समिति या आयोग बनाकर उन्हें दे देते थे। जिस तरह आज भी कई बार राजनीतिक व्यवस्था में, वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है उस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इस तरह का सिस्टम काम कर रहा होता है। अभी हो सकता है किसान आंदोलन के लिए भी किसी आयोग को, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वामीनाथन जो आयोग था उसकी रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास किया है वर्तमान सरकार ने, जबकि वो आयोग बना था कांग्रेस सरकार के समय, रिपोर्ट आई, बहुत सालों से रिपोर्ट दबी रही, उसके बाद जो दोबारा स्वामीनाथन ने दोबारा जो रिपोर्ट दी है अब उस पर चर्चा नहीं करना। तो हो सकता है आयोग बने, कुछ और हो, कुछ और हो, कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है, अभी कह नहीं सकते। तो ऐसे ही वहाँ पर भी इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में कहीं ना कहीं संवैधानिक माध्यमों से परिवर्तन लाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। अब आगे देखें, अब ये कहाँ रह रहे हैं, वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब यहां से वो जा रहे हैं, देखिए इनके जीवन का अगला जो चरण आ रहा है, यहां पर हमने शिक्षा में बात की थी जब पिछली बार हमने बात की थी, तो 1902 में गोखले ने अपने शैक्षिक जीवन से त्याग करते हुए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, और यहां वो फिर चुने जाते हैं सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बनते हैं। ठीक है, 1909 में सदस्य बनते हैं और 1909 से लेकर अपने जीवन के अंत समय तक, यानी लगभग 15 सालों तक या 1915 तक वो क्या रहते हैं, उसके सदस्य रहते हैं, आजीवन सदस्य रहे एक तरीके। ठीक है, आगे देखें, तो अब ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये बहुत पावरफुल है, केंद्रीय सरकार की तरह है। तो इस काउंसिल में रहते हुए ना उन्होंने देश के वित्तीय, राजनीतिक, सामाजिक या प्रशासनिक व्यवस्थाओं का एक तो गहन अध्ययन किया। पहले तो वो बॉम्बे के लिए ही ये काम कर रहे थे या बॉम्बे में रहकर ही उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था, और उस अध्ययन के आधार पर अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने सुधार करने हेतु सुझाव भी दिए। अध्ययन के आधार पर उन्होंने जो अध्ययन किया था उसके आधार पर उन्होंने सुझाव दिए, और वे सुझाव कहीं कहीं मान लिए गए, कभी कभी मान लिए गए, और कहीं कहीं उन सुधारों की, सुझावों की अवहेलना ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर दी गई। अब आप देखिए कि इनके जो ये प्रशासनिक सुधार हैं, सुप्रीम लेजिस्लेटिव में रहते हुए भी गोखले ने बहुत अच्छा जो कार्य किया है, न केवल भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए बल्कि ब्रिटिश सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए जो काम किया उन्होंने, उसके लिए उन्हें लॉर्ड कर्जन के द्वारा और जो उस समय के जो भारत सचिव थे वाड्रिक, भारत सचिव वाड्रिक और वॉयस रॉय लॉर्ड कर्जन, कर्जन तो उनके शत्रुओं में गिने जाते हैं, ध्यान रख लें आप,
तो बाडरिक और लॉर्ड कर्जन दोनों ने उनकी मुक्त कंठ से क्या की है, प्रशंसा की है। किसमें रहने के दौरान, ये शत्रु मानता है, इनको शत्रु के रूप में माना जाता है, या फिर ये खुद शत्रु मानते हैं किसको, मिस्टर गोखले को, क्योंकि उनकी जो समझ है वो जो भी सुधार लाते हैं, जैसे मैंने कहा शिक्षा में उन्होंने यूनिवर्सिटी जो बिल लाए थे भारतीय यूनिवर्सिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए, उसकी स्वायत्तता का जो उन्होंने प्रयास किया था स्वायत्तता को कम करने का, उस बिल का भी सर्वप्रथम विरोध किया गया किसके द्वारा, मिस्टर गोखले के द्वारा। इस कारण वो कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास कहीं ना कहीं भारतीयों के हितों का तो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, या उनके द्वारा या उसके द्वारा जो ब्रिटिश सरकार है उसके कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने ब्रिटिश सत्ता का प्रतिनिधि होते हुए भी क्या कर रहा है, वो उनकी प्रशंसा कर रहा है, उनके कार्यों को खुले दिल से स्वीकार कर रहा है। आगे चले, इसलिए ये गोखले के राजनीतिक विचारों का या राजनीतिक कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किए गए अब देखते हैं मिस्टर गोखले के राजनीतिक विचार। तो सबसे पहला विचार, ये थोड़ी सी मैंने आपको आइडिया बताया कि वो किस तरह से काम कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका को विकसित किया, या उन्होंने अपने कार्यों से अपने भाषणों से किस तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया है। वो जो भी कार्यक्रम बनता था उसका, जो भी कानून बना है उस कानून का विश्लेषण करते थे। ऐसे नहीं कि विरोध करने के लिए विरोध नहीं किया गया गोखले के द्वारा कभी भी, कि जैसे होता है ना आजकल पार्टियां में हो रहा है, अगर कोई बीजेपी कुछ लाएगी तो कांग्रेस को विरोध ही करना है, कांग्रेस कुछ लाएगी तो बीजेपी को उसका विरोध ही करना है, क्योंकि उद्देश्य विरोध का हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वो मानते भी नहीं थे। वो नहीं मानते थे कि ब्रिटिश सरकार हमेशा भारतीयों के अहित का कार्य ही करेगी। लेकिन अब जैसे हम देखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ कि जो कानून जिस सीमा तक गलत होता है उस सीमा तक ही उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी कानून के जहां उसकी संवैधानिकता प्रभावित हो रही है या संविधान प्रभावित उस सीमा तक ही उसको कानून को रद्द करता है या उसको परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण कानून को ही परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है। तो इसी तरह ये भी देखते थे कि किस सीमा तक ये भारतीयों और ब्रिटिश हितों के बीच सामंजस्य बैठाएगा और कहाँ ये भारतीयों के हितों को प्रभावित करेगा और ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देगा। तो उस सीमा तक जहाँ तक भारतीय हित प्रभावित होते थे वहीं तक उसका विरोध करते थे और उसको फिर परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक माध्यमों से ही प्रयास किया गया मिस्टर गोखले के द्वारा। आगे देखते हैं हम तिलक के जो विचार हैं राजनीतिक, उन विचारों का अध्ययन करेंगे। तिलक का जो सबसे पहला जो राजनीतिक विचार है वो विचार आता है उनका तिलक के राजनीतिक विचारों में हम बात करेंगे उनके उदारवादी दृष्टिकोण का, ठीक है। उस उदारवादी दृष्टिकोण के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि वो किन 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 बातों से प्रभावित थे या ब्रिटिश सत्ता के किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे।
तो हम देखते हैं गोखले के जो पहला जो सबसे सबसे पहला जो राजनीतिक विचार है वो है उदारवादी दृष्टिकोण का होना। ठीक है, ब्रिटिश शासन के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण। अगर हम बात करें इस उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो व्यक्ति खुद कैसा है या उसकी विचारधारा किन मूल्यों पर काम करती है या वो किन मूल्यों में विश्वास रखता है। अगर बात करते हैं तिलक की तो तिलक उग्रवादी व्यक्ति क्यों थे? क्योंकि उनका स्वभाव मूलतः उग्रवाद पर आधारित था। उनकी जो अत्याचार को सहने की जो क्षमता थी कहते हैं न्यूनतम हो सकती थी, ऐसा माना जाता है। हालांकि उनकी जो शारीरिक क्षमताओं की बात करें वो अलग हो सकती है। एक टेम्परामेंट की बात करें, एक व्यक्ति होता है जिसको जल्दी गुस्सा आता है, एक व्यक्ति होता है जिसको गुस्सा जल्दी नहीं आता है, और जब आता है तो शांत आसानी से नहीं होता है। जिसको जल्दी आता है वो जल्दी शांत हो जाता है, ऐसा माना है। तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व तो भी निर्धारित करता है, तो करता है कि वो किस तरह की विचारधारा में विश्वास करता है। तो यहाँ हम बात करें इनके उदारवादी दृष्टिकोण की। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड में उदारवाद का जन्म माना जाता है, या उदारवादी जो दृष्टिकोण है उसके विकसित होने की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड में है, तो वहां पर इनका जन्म माना जाता है। तो इसीलिए वहाँ गोखले भी इनकी विशेषताओं को देखते हुए वो कहीं ना कहीं उदारवाद की विशेषताओं में भी शामिल हो रहे हैं। तो इन्हें जो गोखले को जिन चीज़ों ने प्रभावित किया वो थी, एक तो विधि का शासन, ठीक है, एक नियंत्रित सरकार, व्यक्ति की गरिमा में आस्था थी ब्रिटिश सरकारों को भी, ठीक है, समानता और स्वतंत्रता, ये कुछ मूल्य हैं या ये कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर आप गोखले को ब्रिटिश सरकार का समर्थन मान सकते हैं या उदारवाद का समर्थक मान सकते हैं। आदि ऐसी जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं ने प्रभावित किया, आदि विशेषताओं ने गोखले को प्रभावित किया। कहीं ना कहीं जनता, अगर हम देखें इसमें तो जनता का भी महत्व था या जनता को सर्वोपरि माना जाता था। ठीक है, जनता के हितों के लिए प्रयास किए गए, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां पर 1688 में सबसे शांतिपूर्ण तरीके से क्रांति हुई थी, सरकार का परिवर्तन हुआ था, किसी तरह की हिंसक कार्यवाही नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड खुद भी उदारवादी दृष्टिकोण में विश्वास रखता था, और इंग्लैंड के प्रभाव में आकर गोखले का भी, या गोखले प्रारंभ से ही इन उदारवादी सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। यही था कि उनकी पर्सनैलिटी जो थी, उस उनका जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ा वो भी ऐसे लोगों का पड़ा जो खुद उदारवादी थे, दादाभाई नौरोजी हों, सत्येंद्रनाथ टैगोर हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, प्रभाव रहा और इनके मार्गदर्शन में इन्होंने काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो हैं ये खुद भी कहीं ना कहीं से उदारवादी है।
और इस उदारवाद ने उनके राजनीतिक विचारों पर भी प्रभाव डाला। गोखले के राजनीतिक विचारों पर क्या डाला? प्रभाव। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करेंगे तो उदारवाद दृष्टिकोण है कानून का सम्मान करते हैं, संविधान के माध्यम से या संवैधानिक माध्यम से ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने की नीति का पालन करते हैं। ठीक है, अब आप ये वैसे ही बातें जैसे आप सुभाष चंद्र बोस को कहें शांतिपूर्वक काम करें, नहीं कर पाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले को कहें, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे गोखले को अगर आप कहेंगे कि आप लड़ाई झगड़े से, शारीरिक बल से या हिंसा से या गैर संवैधानिक साधनों से आप अंग्रेजी सरकार का विरोध करें, अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास करें, तो वो इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यही कहीं ना कहीं उदारवादी, गोखले का उदारवादी होना भी उनके राजनीतिक विचारधाराओं में परिलक्षित होता है। देखें आप इसको, अब इसका अगला जो है उससे बात करने से पहले हम देखें कि गोखले और क्या चाहते थे। तो गोखले चाहते थे कि ऐसे के ऐसे ही ये जो गुण हैं, जो सहयोग और समर्पण है, गोखले ये जो दृष्टिकोण था इसमें सहयोग और समर्पण या समन्वय सहयोग और समन्वय जरूरी भी था और भारतीय खुद भी इस प्रकार की विचारधारा में विश्वास करते हैं। बहुसंख्या जो भारतीय हैं उनकी बात कर रहा हूं, और इन विचारों को, जो ये उदारवादी विचार हैं, गोखले इन विचारों को जो उदारवाद से संबंधित हैं, इन विचारों को भारतीय जनमानस में स्थापित करना चाहते थे। देखो डिटेल्स इतनी जरूरी नहीं जितना आप उस व्यक्ति को समझें। आप किसी व्यक्ति को समझेंगे तो आप उसकी व्याख्या बड़े अपने शब्दों में बड़े आसानी से कर लेंगे। गोखले चाहते थे कि जिस तरह से मैं इन सिद्धांतों में या उदारवाद के जो मूल सिद्धांत हैं, तत्व हैं, उनमें आस्था रखता हूँ और वो उचित हैं, मैं आस्था रखता हूँ, इसलिए भारतीय जनमानस आस्था रखे, जरूरी नहीं कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि वो उचित हैं, मानव जाति के अनुकूल हैं, भारतीयों के अनुकूल हैं, इसलिए उनको भारतीय जनमानस में विकसित किया जाना चाहिए, स्थापित किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता के जो सिद्धांत हैं उन्हीं के कारण ब्रिटिश सत्ता का जो साम्राज्य था वो इतना विशाल रहा और उतनी उसकी प्रामाणिकता रही गोखले के अनुसार। तो वो चाहते थे कि ये विषय जो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाते हैं, व्यक्ति व्यक्ति को समानता की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे सिद्धांतों को स्थापित किया जाना चाहिए भारतीय जनमानस के दृष्टिकोण में, या भारतीय जनमानस को उनका पालन करना चाहिए। आगे चलें, जो दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय था या बिंदु है वो है ब्रिटिश शासन के प्रति इंग्लैंड का गोखले का दृष्टिकोण। ये तो हो गया व्यक्ति के प्रति, ये व्यक्ति उदारवादी है, तो ये व्यक्ति सभी के प्रति उदारवादी है या ब्रिटिश सत्ता के प्रति उदारवादी है? ये देखा जाएगा। ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण, हमें प्रारंभ से ही पता है, शुरुआत से ही बात करें कि जो गोखले हैं उनका राजनीतिक दृष्टिकोण या झुकाव ब्रिटिश सत्ता के प्रति सकारात्मक रहा। और सकारात्मक रहने के यहाँ पर दो कारण हैं। एक तो वो मानते थे कि ये जो ब्रिटिश शासन है वो दिव्य वरदान के रूप में मानते थे, पहली बात। दूसरी बात वो कहते थे कि अंग्रेजों की जो न्यायप्रियता है
वो एकदम स्पष्ट है और मैं उसमें आस्था रखता हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात वो ये कहते थे कि ये जो इनका साम्राज्यवाद है या जात संकीर्णता के साम्राज्यवाद पवित्र साम्राज्यवाद है, ठीक है। हालांकि गोखले साम्राज्यवाद के विरोधी हैं, लेकिन वो इस रोमन साम्राज्य को या ब्रिटिश जो सत्ता है उसे पवित्र साम्राज्यवाद के रूप में इंगित करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। उसके अलावा वो संकीर्ण साम्राज्यवाद या भारतीयों की जो संकीर्ण मानसिकता है, सोच है, उनके अनुसार उस मानसिकता का भी विरोध करने का काम किया, यानी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के प्रति एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करना चाह रहे हैं भारत में। ये उनका ये दृष्टिकोण कहीं ना कहीं अन्य जो विचारधाराएं वहाँ प्रचलित थी उन विचारधाराओं से उसकी सामंजस्य नहीं बैठ रहा, समानता नहीं बैठ रही, तो घर्षण या विरोध प्रारंभ हो जाता। तो ये खुद तो समर्थन करते हैं उनका, लेकिन संपूर्ण भारतीय या भारतीयों के एक बड़े वर्ग के द्वारा उनका इस प्रकार से समर्थन नहीं किया जा रहा। अभी ध्यान रखिए कि इन्वॉल्व नहीं है वहाँ भारतीय, इनके विरोध में या राष्ट्रीय आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इकट्ठे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका समर्थन कर रहे हैं। गोखले जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं और वो संपूर्ण भारत में उनके लिए समर्थन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आगे स्थापित होगा नहीं होगा वे आगे चर्चा रही, आगे देखेंगे। हालांकि अभी तक उनका प्रशासन बड़े अच्छे से चल रहा है और उन्हें किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ा। अब देखें गोखले ब्रिटिश शासन को क्या मानते हैं, एक दिव्य वरदान मानते हैं। ठीक है, ये जो इनका ये विचार है, ये विचार कहां से आया या किससे प्रभावित होकर दिया इन्होंने, यह विचार महादेव गोविंद रानाडे, या हो सकता है कि उन्होंने ये विचार उनसे अडॉप्ट किया है। अब यहां पर दिव्य वरदान से क्या मतलब समझते हैं आप, यहां इसे दिव्य वरदान क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं और संवैधानिक जो सुधार हैं या संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं संवैधानिक व्यवस्थाओं का परिचय या जानकारी या संबंध भारतीयों को ब्रिटिश सत्ता के द्वारा कराया गया। तो आप देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, हालांकि हो सकता है हमारे यहाँ लोकतंत्र था, इसलिए ऐसे दिव्य वरदान मांगते हैं। उनका मानना है कि भारतीयों ने जब पहली बार लोकतंत्र या संवैधानिक व्यवस्थाओं को सुना समझा तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन या ब्रिटिश सत्ता की देन थी, भारतीयों को लोकतंत्र का कोई अनुभव ही नहीं था, ऐसा उनका मानना था। क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ राजतंत्र था, राजतंत्र होने की वजह से शायद लोकतंत्र, और उस राजतंत्र में भी समय के साथ साथ कुछ कमियाँ आ गई थी और मुगल काल में तो और भी ज़्यादा वो व्यवस्थाएँ गड़बड़ा गई थी, तो उन्हें लगता था कि लोकतंत्र भारत में है ही नहीं। एक लंबे समय तक मुगलों के अंग्रेजों का शासनकाल रहा, तो जो भारत की जो वास्तविक जो नीति नियम थे या प्रशासन को चलाने की जो व्यवस्थाएँ थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित थी या दूषित हो चुकी थी या नष्ट हो गई थी। तो गोखले को लगता था या गोखले का मानना था कि जो पुनः उन्हें स्थापित करने का या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं या संवैधानिक संस्थाओं को स्थापित करने का जो प्रयास ब्रिटेन के द्वारा किया गया तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर की देन थी या ईश्वर की अनुकंपा थी कि ब्रिटिश हमारे भारत में आए शासन करने के लिए और उन्होंने भारत में राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उनकी जगह लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास किया। वहीं दूसरा बिंदु आता है इनका दिव्य वरदान के अलावा, वो कहते हैं कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता, ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी विश्वास या आस्था रखते थे। न्यायप्रियता में भी क्या थी, इनको अत्यधिक आस्था थी। अब न्यायप्रियता से हमारा क्या तात्पर्य है, न्यायप्रियता का मतलब था कि
भारतीयों को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रशासनिक अनुभव के द्वारा इतना योग्य बनाना चाहते थे वो, कि वो आने वाले समय में भारतीयों के द्वारा सत्ता का संचालन स्वयं किया जा सके। यानी इतने उदार व्यक्ति हैं, यानी उनका भारत में आने का उद्देश्य भारतीयों को प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रशासनिक क्षमताओं से पूर्ण कर भारत का संचालन करने योग्य बनाना था, ऐसा ही मानते हैं। यानी अंग्रेज इतने न्यायप्रिय हैं कि वो भारत में जो व्यक्ति हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो गलत कह रहे हैं, ये यहाँ पर गोखले के विचार हैं। गोखले ये मानते हैं कि भारतीयों में जो प्रशासनिक कमजोरी है, कमियाँ हैं, उन प्रशासनिक असक्षमता को दूर करने के लिए अंग्रेज यहाँ आए थे, और जैसे ही भारतीय उस असक्षमता को दूर कर देंगे, यानी उनमें प्रशासनिक क्षमता आ जाएगी, हम भारत को इन्हें सौंप कर चले जाएंगे, या हम भारत में नाम मात्र का प्रशासन रखेंगे और स्वशासन के माध्यम से इन्हें यह व्यवस्था सौंप दी जाएगी, ऐसा मानना है मिस्टर गोखले का। तो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो इनकी आस्था अत्यधिक थी अन्य की तुलना में, गोखले का मत था क्या मत दे रहे हैं कि ब्रिटिश सत्ता जो है वो शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर भारतीयों को सक्षम बनाएगी, भारतीयों को सक्षम बनाना चाहती है। यानी वो चाहती है कि भारतीय अपनी क्षमताओं को इतना विकसित कर लें कि वो अपने प्रशासनिक कार्यों को स्वयं ही कर सके, उन्हें किसी पर निर्भर होना नहीं पड़े। ठीक है, हम यहाँ भारतीयों पर शासन करने के लिए नहीं आए, हमारा एकमात्र उद्देश्य भारतीयों पर शासन करना नहीं है। ठीक है, गोखले मानते थे, देखिए आप, गोखले मानते थे कि जो ब्रिटिश सरकार है, गोखले के मतानुसार ब्रिटिश सत्ता एक ट्रस्ट की भांति काम कर रही है। किसकी तुलना कर दी इन्होंने, एक ट्रस्ट की भांति क्या कर रही है, काम कर रही है। अब ट्रस्ट आप जानते ही हैं, ट्रस्ट लाभ के लिए काम नहीं करता है उनके अनुसार, तो वो ट्रस्ट के रूप में यहां आए हैं भारतीयों का कल्याण करने के लिए। देखें आप इसको, अब एक गोखले का एक सेंटेंस है जो उन्होंने इंगित किया, उसको देखें आप, उसमें संपूर्ण दृष्टिकोण एक साथ आ जाएगा, यहीं पर हम देखें। तो आप ये देखें, न्यायप्रियता किस तरीके से है, न्याय कर रहे हैं और उतना ही करना चाह रहे हैं जितना हमको आवश्यकता है, उदार है एकदम। अब इसके बदले फीस क्या लिए, इसका जिक्र गोखले नहीं कर रहे हैं कहीं भी, क्या फीस ली इन्होंने बदले में। देखें गोखले का एक कथन है, जिस तरीके से मैं लिखूं उस तरीके से ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहे। इस शासन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार या शासन का लाभ नहीं है, यह भारतीयों का नैतिक और भौतिक कल्याण था। भारतीयों का नैतिक व भौतिक कल्याण था। व
वह भारतीयों को शासित नहीं मानते थे। अंग्रेज भारत में एक शासित वर्ग या जाति नहीं मानते थे। यानी खुद को क्या नहीं मानते थे, वो शासक, और भारतीयों को क्या नहीं मानते थे, शासित। तो फिर क्या करना चाहते थे वो, देखें अगले सेंटेंस वो कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं वो, कि वे भारत का, भारत की जनता की इस प्रकार सहायता करना चाहते थे। ये न तो अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया ये बात और न किसी अन्य ने। वे भारत की जनता की सहायता इस प्रकार करना चाहते थे कि समानता के सिद्धांत पर वे दृढ़ता पूर्वक काम कर सके। समानता के सिद्धांत पर क्या कर सके, दृढ़ता पूर्वक बढ़ सके, या सिद्धांत दृढ़ता की ओर बढ़ सके। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक सेंटेंस में पूरा वर्गीकरण कर सकते हैं, पूरी विशेषता देख सकते हैं। समानता के सिद्धांत पर दृढ़ता से बढ़ सके और उच्चतर पाश्चात्य मूल्यों के अनुसार स्वयं को इतना सक्षम कर लें कि वह कालांतर में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्वयं चला सके। ठीक है, ये भी लिख लें, कालांतर में पाश्चात्य मूल्यों पर अपनी सरकार चलाने में सक्षम हो जाए। सक्षम हो जाए, ये उद्देश्य न तो अंग्रेजों ने स्वीकार किया है, कहते रहते थे वो, लेकिन इतना डीपली तो शायद किसी ने नहीं किया होगा जितना मिस्टर गोखले ने का। इस शासन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन का लाभ नहीं है, ये भी ये कहा उन्होंने, बल्कि भारतीयों का नैतिक और भौतिक कल्याण था, जो हमारे में पहले था ही नहीं इसका मतलब। तो नैतिक और भौतिक कल्याण करना चाह रहे थे। भौतिक का मतलब आप समझ गए, संपदा, धन संपदा, रोजगार, संसाधन बहुत सारे हों, इस तरह के। भारत में एक शासक जाति नहीं मानते थे, अंग्रेज खुद को भारत में एक शासक जाति नहीं मानते थे, या भारतीयों को भी एक शासक जाति के रूप में डेवलप नहीं करना चाहते थे। ठीक है, यानी एक तरह से राजतंत्र स्थापित नहीं करना चाहते थे। पुनः वे भारत की जनता की सहायता ऐसे करना चाहते थे जिसके आधार पर वो समानता के सिद्धांत पर दृढ़ता पूर्वक चल सके, उसका पालन कर सके, ताकि आगे आने वाले समय में वो पाश्चात्य मूल्य, जो हमने अभी उदारवाद में भी देखे थे, लगभग वैसे ही मूल्य अपनी सरकार स्वयं चलाने में सक्षम हो जाएं। ठीक है ना, स्वयं की सक्षमता की बात करें तो ऐसी बात करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं न्यायप्रिय तो है ही, उसकी न्यायप्रियता में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता, ऐसा मिस्टर गोखले के द्वारा कहा गया। ये सेंटेंस अपने आप में बता देता है कि इनकी कितनी बड़ी आस्था थी ब्रिटिश शासन के प्रति। जैसे हम अवतारवाद का समर्थन करते हैं, हम देखते हैं कि धरती पर जब अत्याचार या पाप बढ़ जाते हैं तो ईश्वर के द्वारा अवतार लिया जाता है और जनता को दुखों संकटों उन अत्याचारों से मुक्त करवाया जाता है। वैसे गोखले का भी मानना है कि ये जो शासन है, इस शासन के द्वारा भारतीयों को एक तो असमानता की जो स्थिति है उससे बाहर निकाला जाएगा, नैतिक और भौतिक जो पतन हो चुका है या वो कल्याण नहीं हो रहा, उस कल्याण से बाहर निकालने के लिए इस शासन का प्रादुर्भाव हुआ है, इस शासन का अवतरण हुआ है, ऐसा मिस्टर गोखले कह रहे हैं। तो हम भी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, गोखले हैं तो गोखले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, या हो सकता है आज के लोग इस बात का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। इस शासन के प्रति, अब इस शासन की देखो सबसे बड़ी, उस समय अगर आलोचनात्मक मूल्य पूछा जाएगा तो आपको उस समय बताना पड़ेगा कि आलोचनात्मक में आप क्या इसकी अच्छाइयां देखते हैं और क्या इसमें कमियां देखते हैं। ठीक है,
एक इसकी जो एक और है, उस समय साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिल रहा था सभी जगह, तो ब्रिटिश शासन के जो साम्राज्यवाद के प्रति गोखले का दृष्टिकोण सकारात्मक था, यानी जो भी ब्रिटिश सत्ता साम्राज्यवाद कर रही थी वो ठीक था, लेकिन वो इसे क्या मान रहे हैं, पवित्र साम्राज्यवाद। और पवित्र साम्राज्यवाद दो अर्थों में था, एक तो समानता पर आधारित था, ठीक है, दूसरा उन्हें सहायता प्रदान की जा रही थी इनके द्वारा डेवलप होने के लिए। गोखले के अनुसार, गोखले कह रहे थे कि अंग्रेज जो साम्राज्यवाद कर रहे हैं वो किसी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि एक तो समानता पर आधारित है, वो उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करते और उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे, दूसरा उन्हें सहायता प्रदान कर रहे थे वो, इसलिए वो इसे पवित्र साम्राज्यवाद मानकर इसका क्या कर रहे हैं, समर्थन करते थे। ये उसी तरह जैसे हमारे यहाँ ये उसी तरह गोखले इसको वर्णित करें जैसे क्या कहते हैं, सम्राट होते थे, सम्राट होने के बाद, सम्राट का मतलब राजाओं का भी राजा जो होता था, तो वो जो छोटे राजा बनते थे उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करता और मात्र कर वसूल करता, और कर वसूल करने के बाद उस पर आक्रमण नहीं करता था, या उसके सुरक्षा के लिए वो भी सहायता भेजता था। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कई छोटे छोटे राजा भी आए थे और कई बड़े राजा भी आए थे, लेकिन दुर्योधन के पक्ष में लड़ने आए थे। इधर पांडवों के पक्ष में भी कुछ लोग आए, छोटे बड़े सभी तरह के लोग आए, तो वो कहीं ना कहीं उसी तरह के उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ राजतंत्र था, यहाँ लोकतंत्र के आधार पर सहायता करेंगे, उसको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, इसलिए उस साम्राज्यवाद का समर्थन कर रहे हैं। जैसे राजा साम्राज्य बढ़ाते थे अपना युद्ध के द्वारा या संधि के माध्यम से, ठीक है, तो वैसे ही ये भी कहते थे कि ये उस जिस राज्य में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं उसके नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए काम करते हैं, इसलिए ये साम्राज्यवाद क्या है, उचित है, ऐसा माना गया। तो ये जो दूसरा बिंदु था हमारा, ये कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने देखा कि जो ब्रिटिश सत्ता के प्रति जो मिस्टर गोखले का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव रहा है, वो किसी तरह का कोई विरोध उनका नहीं करते। आगे चलते हैं, जो हमारा तीसरा बिंदु है वो है स्वशासन को लेकर। स्वशासन से हमारा तात्पर्य था, स्वशासन की जो अवधारणा है मिस्टर गोखले की, उस अवधारणा की अगर बात करते हैं तो तिलक ने तो दी थी पहले स्वराज्य की, ठीक है, तिलक से अगर इनकी तुलना करेंगे हम तो तिलक ने कहा स्वराज्य और इन्होंने कहा स्वशासन। देखो स्वराज्य, स्वशासन स्वशासन अपने आप में एक राजनीतिक बिंदु है, ये ध्यान रखें आप। अब स्वशासन का अगर हमने पहले भी संधि विच्छेद सा कर रखा है, स्वशासन का मतलब होता है कि आपके द्वारा स्वयं शासन करना, स्वयं अपने प्रशासन को स्थापित या निर्धारित करना, सीधे शब्दों में ऐसा है। लेकिन ये ध्यान रखें कि तिलक ने पहले स्वराज्य कहा था, स्वराज्य का मतलब अपना राज्य, अंग्रेजों को बाहर निकाल देना, लेकिन उन्होंने भी कालांतर में अपने विचारों में थोड़ा सा क्या कर लिया था, परिवर्तन कर लिया था। यहाँ पर जो गोखले हैं वो प्रारंभ से ही ब्रिटिश सत्ता का समर्थन चाहते थे और अंत तक बने रहे, ऐसा उनका विचार मानना था कि ब्रिटिश सत्ता हमारे लिए एक वरदान है, तो इस वरदान का हमें उपयोग करना चाहिए। आगे देखें आप, तो इसमें उनका स्वशासन जो संबंधी है गोखले की स्वशासन संबंधी अवधारणा,